भोपाल गैस त्रासदी की 36वीं बरसी पर सेंट्रल लाइब्रेरी में सेवा धर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की। सीएम के अलावा कलेक्टर अविनाश लवानिया, डीआईजी इरशाद वली और समस्त अधिकारियों सहित सभी धर्म गुरु मौजूद थे। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। शांति जिनेन्द्रम शांति करम सिरसा प्रणमामि सर्व गणाय पृच्छतु महिमनम पठते परमाम च ये अभ्यर्चिता मुकुट को संपूर्ण संस्था अनित्य है। जन्म लेना और मृत्यु होना ये कुदरत का प्राकृतिक नियम है। यहाँ पर मानवीय भूलों के कारण विकास की अंधी दौड़ में केवल इंसान सुरक्षित रहे इस चाह के कारण, लापरवाही के कारण विश्व की सबसे बड़ी ये गैस दुर्घटना हुई थी, जिसमें हजारों भाई बहन और बच्चे असमय काल कल्पित हुए थे, भयानक मृत्यु उनकी हुई, हजारों बीमार हुए और आज तक उस दुर्घटना का असर भोपाल में साफ दिखाई देता है। इस समय एक तो संकल्प लेने का अवसर है, फिर कोई शहर भोपाल ना बने, और इसलिए हम पर्यावरण को भी बचा के रखें, विकास और पर्यावरण में संतुलित स्थापित करें। हमारे गैस पीड़ितों का इलाज और बाकी आवश्यक व्यवस्थाएं लगातार चलती रहे, इसके प्रयास सरकार कर रही है। अब गैस पीड़ित क्षेत्रों में भी नर्मदा जी का जल घरों में दिया जा रहा है, लेकिन हमारी बहनों की जो 1000 रुपया जो कल्याणी बहनें थी जिनका सब कुछ लूट गया था, वो पेंशन 2019 में बंद हो गई थी, हमने फिर से चालू करने का फैसला किया। ये उनके साथ न्याय नहीं है। 1000 रुपया मासिक आजीवन जब तक भगवान को लंबी उम्र दे उनको दी जाएगी। और दूसरे, फिर कोई शहर भोपाल ना बने उसके लिए सबसे बड़ा सबक अगर कोई दे सकता है तो भोपाल ही दे सकता है दुनिया को, केवल भोपाल को नहीं, केवल प्रदेश और देश को नहीं, पूरे विश्व को। और इसलिए गैस त्रासदी का एक स्मारक बने जो प्रेरणा दे, जो संकल्प पैदा करे कि फिर ऐसी गैस त्रासदी दुनिया में कहीं ना हो, उसके लिए हमें राह दिखाए, इसकी भयानकता को प्रदर्शित करे, वो स्मारक भोपाल में बनाया जाएगा। उसके लिए सारी आवश्यक कार्रवाई हमारे युवा और ऊर्जावान मंत्री विश्वास सारंग जी करेंगे, वो तेजी से काम करेंगे। जो जहरीले कचरे के निपटान हैं, हालांकि अब 36 साल में कितना जहर बचा होगा, लेकिन फिर भी जो वैज्ञानिक निपटान हो सकता है उसके सारे प्रयास करेंगे। इंसिनेटर में उसको जलाना है, उसके लिए सहमति बनाना है और स्मारक के निर्माण का मार्ग प्रशस्त भी करेंगे। मैं सभी 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात जो हमारे भाई और बहन नहीं रहे थे, उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।